चाहते ये हैं कि आप खूब नाम छापिए, पुस्तकें छापिए, लेकिन उसकी गहराई में तो जाओ, एक विषय लेकर के उस पर कुछ गहराई में जाना चाहिए। तो इसलिए जब महाभारत की बात आती है तो यन न भारते तन न भारते, जो भारत महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। आज भी देखिए महाभारत युद्ध हो रहा है और महाभारत इतने बड़े बड़े महारथी हैं, वहां पर तो युधिष्ठिर को एक झूठ बोलने के लिए कितनी कठिनाई हुई होगी, और बहुत ज्यादा कठिनाई हुई, और शायद प्रायश्चित भी किया होगा उन्होंने, लेकिन वो झूठ ही बड़े ढंग से बोला कि उस द्रोणाचार्य को मारने के लिए उसका पुत्र अश्वत्थामा, अश्वत्थामा हाथी मिला, अश्वत्थामा हाथो, बड़े जोर से बोले, लेकिन धीरे से कह दिया नर था, हाथी था पता, तब उसमें भी झूठ में भी वो था। तो कहने का मतलब ये कि एक एक चीज के लिए द्रौपदी की लाज क्या बचा नहीं सकते थे, लेकिन वहां पर श्री कृष्ण भगवान को दूसरा नाटक करना था कि हम सब जगह हैं, और द्रौपदी ने हमसे पूछा भी जब बिल्कुल नग्न होने जा रही थी, तब आपने आप कैसे आ गए, तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि देखिए ऐसा है, आप कहते थे गिरधर गोपाल, अब गिरधर मैं गिरधर को उठा के लाऊ, तत्ता माखन चोरा आपने कह दिया, गोप गोपी वाला आप नाम बदलते जाते, मैं उस रूप में आता आपके सामने रक्षा करने के लिए आपकी, लेकिन आप ग्रंथ ना, और आप अपनी शक्ति को दिखा रहे थे, पकड़ रहे हैं, यानी जो साड़ी को पकड़ करके मैं अपने को नग्न होने से बचा सकती हूँ, ये अहंकार था आपके अंदर। और जब देखा कि अब तो बस अब नग्न होने ही जाए, तो कृष्णा परिशुद्ध रूप में मैं आ गया आपके सामने, आपकी रक्षा। आप ये देखिए इनमें रहस्य है, सब हर चीज के पीछे रहस्य है। सब कहते हैं खोलो खोलो छवि देखूंगा जीवन की, आवरण स्वयं बनते जाते हैं, भीड़ लग रही है दर्शन की। तो इसमें यह है कि आप जब इस मनीषा को खोज करते हैं, उसके मूल स्रोत में खोज करते हैं, तो आप फिर वेदों को आप भूल नहीं सकते, पुराणों को आप देखिए इस आप छोड़िए, वेद अभ्यास को आप भूल गए, कहीं पर आप ऑल इंडिया राइटर्स कॉन्फ्रेंस पर कोई भी वेद अभ्यास नहीं, योगिनी माता के सामने वेद अभ्यास आए और अपनी इस दुख को कहा मैं उसका साक्षी हूं, तो योगिनी माता ने कहा क्या चाहते हैं, कहा ये बताइए कि मैंने इतना किया अपनी भावी संतति में और मेरा कहीं नाम निशान है, कहीं पर ऐसी जगह नहीं जहां पर मैं, आप मुझे प्रतिष्ठापित कीजिए। तो योगिनी माता ने एक बहुत ही बड़ी भव्य मूर्ति स्वयं बनाई और प्रतिष्ठापित, 18 सीढ़ियों के ऊपर, वो भी तत्व हैं, 18 पुराण हैं, 18 वो पुराण हैं, 18 गीता के अध्याय हैं, और 18वें अध्याय की 18 श्लोक जो हैं उपधान। तो उस पर अब उस सीमेंट की बनी हुई मूर्ति को ऊपर चढ़ाना आसान नहीं था, तो मैंने योगिनी माता से कहा, मैं सबसे बाद में पहुंचा वो, मैंने कहा कैसी का हो जाएगा। तो जब ऊपर चढ़ गई तो योगिनी माता आई ऊपर, टप टप चढ़ गई, और उन्होंने ऐसे घुमाया जैसे कोई बच्चा खिलौना हो। तो इनके अंदर मैं कभी कभी कार में इनके साथ जाता था, तो कहती देखो ये इसका, इसको मोक्ष देना, इसको मोक्ष देना, एक एक चीज को मैं प्रकारांतर से, क्योंकि जीवित ऋषियों की आप करें तो आपको थोड़ी सी वो पता लगेगा, हाँ ऐसे आज भी है। जब मेरा कालिदास छपा, वो शायद पहली बार थे केरल में तहलका मचाने के लिए, उन्होंने इमरजेंसी के समय ऑल इंडिया राइटर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस समय मैंने विषय रखा, मैं तो आग में सदैव कूदने वाला व्यक्ति हूँ, अग्निकीट हूँ, तो मैंने कहा ये बुलाई, तो मैंने जो क्रांति और साहित्य पहला विषय था, तो जो यहाँ लिस्ट बनाई उसमें पहला नाम मेरा था अरेस्ट करने के लिए, नरसिंह राव करुणाकरण, करुणाकरण जी जानते थे, लेकिन एसपी जी कह दिया बिहार के थे तपेश्वर शर्मा का, इसको बचाओ नहीं तो इसको अरेस्ट करेंगे, तो कोई बात नहीं, उनके पास गया। और उसके बाद योगिनी माता जब ये किताब रिलीज हो गई और बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ, प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के मैसेज आई, और सिद्धेश्वर प्रसाद जैसा व्यक्ति जो उस समय एनर्जी के मिनिस्टर थे, बाद में गवर्नर बने, मेरे अच्छे दोस्त थे, वो आ गए, वो खैर अलग कहानी है। तो योगिनी माता ने मुझसे कहा कि वो किताब लिखिए,
उस समय उस किताब की 100 कीमत, 100 रुपये की या 450, तो 100 रुपये कीमत थी। तो योगिनी माता ने कहा लेके आइए। अब देखिए उस आश्रम में आप न तो नारी का शब्द का उच्चारण, शिव योगिनी थी तो न तो नारी का उच्चारण, न कोई ऐसी चीज ले जा सकते हैं। और कालिदास श्रृंगार का कवि है, तो वो जो इनके द्वारपालक थे 88 साल के, तो बड़े विद्वान थे। अच्छा, सबका नाम बदल दिया योगिनी माता ने, किसी कहते हैं कि कुआं, किसी को दरवाजा, किसी को अभिषेक, कोई नाम ऐसे डाल देते। तो मेरा नाम नींदा चतुर्वेदी, मेरा नाम चतुर्वेदी रहा। वेद व्यास को वो देख रही थी, और अंतिम समय पर जब वेदाव्यास का वो अंतिम रूप था, मैं वहाँ पहुँच गया। मेरे लिए फ्री था कि मैं रात में आधी रात जब चाहे पहुँच जा सकता, क्योंकि मैं उनकी परीक्षा ले रहा था। और बाद में 6 महीने बाद कह भी था मेरी परीक्षा ले ली क्या, तो मैंने साष्टांग प्रणाम किया। तो योगिनी माता ने कहा, तो उसने व्यापार रोक दिया, मैं वापस ले गया किताब। उसके बाद दूसरी बार आया तो फिर उन्हें हंसते, अच्छा उनकी हंसी आज मेरे कानों में गूंजती है, ऐसी निश्चर हंसी मैंने तो कभी सुनी नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो किताब कहाँ है, मैंने कहा तो लौटा ले गया। मैं क्या, उन्होंने कह दिया श्रृंगार है, सुनो श्रृंगार है भी। क्या वो शिव भक्त थे और हर जगह शिव की स्तुति है, या सृष्टि सृष्टिराध्या विधि उत्तम अविद्या होती वजह वस्ताभिष्टा विधि, हर जगह पर उन्होंने शिव की स्तुति की है। तो जैसे हर तीन जो शब्द थे उनके, अस्ति कश्चित् अस्त्युत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा पूर्वा परो तो इंदी का है वस्त्र, तो वो स्थितो पृथिव्या एव मानदंडा। तो कालिदास की तो उनका आप लेके आए। अब देखिए अद्भुत घटना, जो आपको विश्वास के लिए, वो अपना टाट पहने और स्टूल पर सोती नहीं थी, न सोती थी न खाती थी, केवल 3 पत्ती तुलसी की और गंगा जल, वो भी कभी कभी, और इतनी बड़ी चीज स्वयं सीमेंट अपने सिर पर लाद करके उन्होंने बनाई। तो मैंने उनसे कहा कि क्या है वो, तो कहा कि आप लेके आइए। लेके आए, स्टूल बैठ गई और मैंने तुरंत जो है उसको खोला, तो जो प्रसंग निकलता है एक सन्यासिनी का जो मालिबाग मित्र में है, आपको पता है जो जानते हैं, तो उस प्रसंग में निकला। तब तक 2 गिलहरियां आई, कहा देखो ये 2 पूर्वजन्म में सन्यासिनियां थी, अब मेरी सेवा में आए, पूर्वजन्म में सन्यासिनी थी। वो पता खत्म, इस तरह 250-300 लोग थे। तो जब उन्होंने खोली तो जो शिव के ऊपर माला थी वो एकदम ऐसे बढ़ गई, सब देख रहे हैं महाराज अच्छा अपने आप। तो कहने लगा कि चतुर्वेदी जी आपका यश पूरे विश्व में फैलेगा। 1975 की बात है, 76 की, मैं कुछ भी नहीं था, एक बिग जीरो जैसे कहना चाहिए, मतलब केरल में संघर्ष कर रहा था, हाँ ये जिद का पक्का था तो कर रहा था। तो उस समय एक भविष्यवाणी करना और एक ट्रस्ट अब बना, 25 साल से मना चाहता था। तो मैं आत्मबोध प्रतिष्ठा में ऊपर जो किताब निकली है मलय की माटी में हिंदी का गिरवा, उसमें इंटरव्यू मैंने यही कहा है कि भाई आत्मबोध की स्थापना करना चाहता हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन वो प्राची विद्या पर भी नहीं रुका, वो वेद अभ्यास जिस दिन जुड़ा 1 घंटे में रजिस्ट्रेशन हो गया और 80 GB मिल गया, 12 GB मिल गया। कमीशन ने कहा मैं तो देता, लेकिन वो एक एक लिंक होती है, एवरीथिंग इज प्री डिटरमिंड। मैं आपको एक और थ्योरी दे रहा हूँ, एवरीथिंग इज प्री डिटरमिंड, हर चीज पूर्व निश्चित है। अब यह है कि आप उसको डायग्नोज ना कर पाए, समझ ना पाए, बात उसकी है। हमारे ऋषियों ने इन चिंतन मनन से, चाहे वो ज्योतिष, आप देखिए ज्योतिष है, वो गणित है, आपको जो भी आज चीजें हम वास्तु जो भी चीज लेंगे, अथर्ववेद में सब कुछ है। कहने का मतलब यह है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और अथर्ववेद, अब आप इनकी गहराइयों में जाएंगे तो आप अपने को भूल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम जा नहीं सकते। इस मनीषा के बारे में कम से कम श्रवण तो कर सकते हैं। ये सुनील जी ने जो विषय लिया कि आपको शब्द का साक्षात्कार हो रहा है आज, शब्दो वही ब्रह्म, वर्ड इज गॉड, उस शब्द का साक्षात्कार भी आसान नहीं होता। अक्षर आपके सामने, कुछ अक्षरों से बने हैं शब्द, अक्षर क्या है जिसका कभी नाश नहीं होता, तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं,
अब ब्राह्मी लिपि में जो भी लिखा गया है, जो हमारे यहाँ वेद हैं पुराने, इनको हम अगर उनके पास जा कर के, अब देखिए आपको मैं कहूँ कि महाभारत में क्या है सब आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो उस विषय भी बड़ा है, लेकिन आप देखिए कि उस व्यक्ति ने 18 पुराण 18 उपपुराणों को क्लासीफाई किया, वेदों को चार भागों में बांधने वाला वेदव्यास था, इसलिए उसका नाम वेदव्यास था। तो अब ये देखिए कि अब उन्होंने 18 पुराणों में, अगर आप 18 से मैं गीता को बताया, ऐसे पुराणों के बारे में बता दूं कि आपको पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम्, हमारे वेदों का सिद्धांत है। अगर हम किसी की सहायता नहीं कर सकते, उसकी उसको किस तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको हम उसके पैर पकड़ करके नीचे न खींचे, उसको नीचे गड्ढे में न गिराए, ये हमारे ऋषियों ने बड़े संकल्प किए थे और ऐसे संकल्पों में जी रहे थे। और आप देखिए कि धुनी रमाते थे कितने कितने सब आदमी की, तो कथा आप जानते ही हैं, इतनी धुनी निर्माण की तो उनके ऊपर दीमक लग गई, और दीमक लग गई है रत्नाकर कैसे वाल्मीकि बना, नहीं दीमक लग गई, और जब उसको साक्षात्कार हुआ तो दीमक हट गया होगा। पार्वती ने ये 10,000 साल तपस्या की, लेकिन वो स्वीट 17 ही रही, जब 10,000 के बाद आई और शिव जी उनके सामने आए तो स्वीट 17 थी, और मोहित तो थे ही शिव जी, लेकिन उन्होंने कहा अंतिम परीक्षा भी ले लें, बड़ी बड़ी परीक्षाएँ अग्नि परीक्षाएँ लेते थे, तो अग्नि परीक्षा क्या थी, उनका ठीक है जा करके शिव जी की बुराई करने लगे, ऐसी बुराई करने की, ना तो माँ भाई है ना बाप है, छाल पहनता है ऐसे व्यक्ति है, अब हम देखो मुंड माला है, सांप हैं, आप इसके साथ कैसे रहेंगे। तो पार्वती ने कहा देखिए ऐसा है, हमारे वेद वेदों में कहा गया किसी की बुराई सुनो नहीं, इसलिए आप कृपा करके उनके बारे में और कुछ मत बोलिए, हैं आप मैं जा रही हूँ, अंतिम परीक्षा तो शिव जी ने है। कालिदास इसको बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं कि जैसे पर्वत और समुद्र के बीच में, अब किसी भी लड़की का हाथ आप पकड़ के देखिए उस समय में, आज तो खैर आप पकड़ सकते हैं कोई बात नहीं, उस जमाने में कोई आप ऐसा कर नहीं सकते थे, अनुशासन था, पार्वती ने मुड़ कर देखा साक्षात तो नहीं आई हूँ, न तस्तव न तो जा पाई और न रुक पाई, मतलब ऐसी स्थितियाँ कैसी 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 तपस्याएं की है, एक पैर अपर्णा है, उमा नाम तब भय अपर्णा, ये सब कुछ छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, हमें विश्वास नहीं करते हैं, जब योगिनी माता कथा इसीलिए आपको बताई कि आप विश्वास कीजिए, ये सच्चाइयां हैं, और आपका इससे कोई संबंध नहीं शरीर से भोजन का, संबंध तब है जब आपका मन उसमें जाता है, मैंने चाय नहीं पी, मैंने खाना नहीं खाया, आप भी खो गए वहां। मैं जब 41 दिन रामायण का शपथ मैंने ली थी 41 दिन में कि पहले मैं शंकराचार्य शर्मा को भेंट करूंगा, मेरे पास कुल 10,000 रुपये थे, अवार्ड जो मिला था उस 10,000 रुपये 10,00,000 रुपये किताब भी छप गई, और वो 39वें दिन मैं उनको भेंट भी कर दी और उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब मेरे मित्रों ने कहा कि आप 41 दिन खाने में ऐसा कांटा हो गया, तो एक सिद्ध के पास लेके गए, 3.5 घंटा बात की, शायद आप जानते हो जैन थे यहाँ पर, कनॉट प्लेस पर रहते थे, जो भी आता था उनके बहुत बड़े सिद्ध थे, जो कहते थे वही होता था, और जो आता था शाम को बांट देते थे। मैं गया तो 3.5 घंटे बात हुई, उन्होंने कैमरा लेकर मेरी फोटो में आज भी मेरे पास हैं, उन्होंने सारी मेरी जवान की इसकी उसकी सब फोटो लेकर के सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कहा, 3.5 घंटे बाद कहते हैं कि मेरे मित्रों ने कहा था आपको मैं कन्विंस करूँ, अन्ना भवंती भूतानी पर्जन्यात अन्न सभा, अन्न जो अन्न प्राण है, अन्न के बिना आप कैसे जी रहे हैं, लेकिन मैं मान गया आप अन्न नहीं खाएं तब भी कुछ नहीं होगा, आप मत खाएं। 21वां दिन था मैंने नहीं खाया, उन्होंने जाते समय मैं खाता नहीं था, तो उन्होंने कोई मैंने सोचा शायद बिस्कुट पैकेट किए होंगे, उन्होंने एक पैकेट मुझे दिया, पैकेट दिया तो मैंने कहा ये दे दिया कि कुछ भेंट तो देनी चाहिए, ये सोच करके दिया होगा, मैं बच्चों को बांट दूंगा, मैंने भी ले लिया उसको। उस दिन मुझे 10,000 रुपये जरूरत थी, निगेटिव बनने थे, फिल्म बननी थी, मैं 3.5 घंटे हाँ भाई रोज पानी कुआँ खोदो पानी पियो, इस तरह से वाल्मीकि रामायण निकली। तो मैं जब कमरे में जाकर के वो भी एक मित्र ने तीन कमरे का वो दे दिया फ्लैट, और कहा इसके साथ नौकर बने, कमरे पर पैसा है, मन में सोचा मैंने कहा कुछ नहीं मुझे नहीं नौकर बनने से, मैं अकेला रहा हुआ सब कुछ वो करते हुए, अंत में जब मैंने खोला वहाँ जाकर 10,000 रुपये। आप देखिए मन मना भाव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु, मन मना भाव ये है,
क्या आपके अंदर क्या है, ये मैं अगर जान लूं तो मैं गुरु, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है गुरु के पास। तो अब कभी का अज्ञान तिमिरांध से ज्ञानांजन चला गया, चक्षु मिलते हैं ना तस्मय श्री गुरु, वो ज्ञान चक्षु है, चक्षु मिलता है ना तस्मय श्री गुरु। तो गुरु आपको समझे तो वो दे तो आपको, और देता भी गुरु, पहले भी बड़ी अग्नि परीक्षा लेते थे, आज तो कंजूस भी हो गए और अभी चाहते भी नहीं है कि हमारी चीज किसी के पास जाए। हैं, मैं तो अपने रहस्य बता देता हूँ आपको, लेकिन लोग बताएंगे, चाहे वो बापू आसाराम हो चाहे सुधांशु जी महाराज हो, इनको पहली बात तो गहराइयों में जाते नहीं है, जाने के पास उनके पास समय नहीं। जब आप पैसे के पीछे भागते हैं, आप ये समझ लीजिए आपका लक्ष्य हो, तो लक्ष्य जो है आपका क्या है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप ये सोचिए कि आप जो आपके सामने है मनुष्य है, सबसे पहले मनुष्य है, फिर समाज है, और उसके बाद प्रकृति है, या पहले का जो प्रकृति है फिर पुरुष माने आप हैं, और उसके बाद आपने कभी इसके बारे में सोचा कि मनुष्य है और मानव शब्द का, मैंने आपको पहले बताया था मनु से मानव बना है, तो मनन करने वाला ही मनुष्य है, सच्चा मनुष्य वही है जो मनन करता है, जो चिंतन करता है। प्रतिदिन आप दिन भर आपने जो काम किया सोचिए कि आपने क्या किया, अगर आपने गलती की है तो प्रायश्चित कीजिए, पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप वो प्रायश्चित आपके मन को शुद्ध करते हैं। तो इसलिए आप मनुष्य हैं, तो मनुष्य क्या है, अखंड आत्मभाव जो अनंत विश्व में भरे, अखंड आत्मभाव जो अनंत विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य आप मनुष्यों को मार रहे हैं, और ये बिल्कुल ही यानी आप एक मनुष्य को मारने के बाद भी आपको नहीं लगता है कि आपने कोई गलत काम किया है। अब देखिए किस समय कहाँ, वहां पर तो मारते थे तो हमें जिंदा करने की शक्ति भी थी। आप सोचिए कि सारी सेना को राम ने जीवित कर दिया और सारी सेना वापस आई, लक्ष्मण जीवित हो जो संजीवनी उठी से वो भी जीवित हुए, ये सब नाटक थे। और रावण जो वहाँ जाता है, एक सबसे बड़ा पंडित, रावण जैसा पंडित चरित्रवान व्यक्ति मनीषी दूसरा न हुआ है न होगा, इसे रावण विजय महाकाव्य लिखा गया है संस्कृत में, रावण विजय महाकाव्य। और रावण ने अंत में यही कहा, देखिए रावण जैसा निश्चल व्यक्ति वो जाता है सेतुबंध के समय, वो आशीर्वाद देता है, पंडित के रूप में जाता है, मतलब आप देखिए, और आशीर्वाद देता है, वो जानता था सब कुछ, जानते हुए युद्ध कर रहा, क्योंकि उसको तो आत्म साक्षात करना, वही उसने अंत में कहा, जब लक्ष्मण और राम भी जानते थे, लक्ष्मण और हनुमान जब पहुंचते हैं, और वो हमारे रामायण में बहुत प्रधान बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, जो रावण सारी चीज खोल कर ज्ञान देता है, रावण ज्ञान देता है, बहुत बड़ी बात है इसमें, वो दो चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो कहता है कि अच्छा काम अगर आपके सामने आता है उसे डालो मत, और बुरा काम आता है तो आप डालते रहिए। मेरी सबसे बड़ी गलती आज मैं मर रहा हूँ उसका कारण ये था कि अच्छा काम था, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था वो मैं डालता रहा, और सीता का अपहरण करना चाहता था तुरंत सन्यासी भी स्थान पर चला, मेरे मृत्यु का कारण यही बन। अब देखिए रहस्य उसने बताया, तो अब उसके बाद उसने कहा कि जाकर राम से कह दो कि मेरी विजय है उनकी नहीं, आप लोगों की विजय नहीं। कैसे कहा, देखिए मेरे जीते जी राम लंका में प्रवेश नहीं हो पाया, मेरी विजय, और मैं उनके जी रही हूँ यहाँ पर है, मैं उनके विष्णु लोक में जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा करें, सही हो गलत हो, सही हो गलत जो है हमारे यहाँ वेदों में नहीं है, कुछ भी सही नहीं है कुछ भी गलत नहीं है, कि आपकी आत्म प्रतिष्ठा है जिसको आप स्थापित करते हैं, इसलिए ही तो हमारे यहाँ इतने बने कि न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा सांख्य योग। अब सांख्य पर आ जाते हैं इस प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए, अब प्रकृति जो है ये क्या है,
हम तो विकृति देख रहे हैं, हम प्रकृति के साथ मतलब प्रकृति का विनाश करके हम अपना विनाश कर रहे हैं, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। प्रकृति क्या है? ये तो आपकी प्रकृति है, जिसको नेचर अंग्रेजी में छोटा लिखते हैं, नेचर ऑफ द मैन। प्रकृति मनुष्य का जो स्वभाव है, अब वो कैपिटल एन से जुड़ा हुआ है, नेचर। अगर आप सत्यम शिवम सुंदरम हैं तो ये सत्य रज और तम है प्रकृति। कितने आपसे कनेक्टेड है, हर चीज आपको वो देती है, आप बिल्कुल नहीं लिए। हमारे यहाँ गांव में हमारी माँ जो थी, वो किसी को कोई रोग हो वो कोई चीज ले आती थी, बुखार करके दे देती थी, रोग समाप्त हो जाता था। यानी आज देखिए, आप हॉस्पिटल जाएंगे 2-4 लाख वो ऐसे ही झपट लेंगे आपसे, और क्या होगा कि ये है वो है वो आप पर को कर देंगे। तो अगर आप नहीं जानते हैं थोड़ा सा भी, आप घबरा जाएंगे और आप पैसा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक समय बता दीजिएगा जब तो मैं और चीज़ें समाप्त करता, मैं कहीं और गहराइयों में जाने वाला था, गहराई में जाता तो मैं भूल जाते, से मैं पहले ही पूछ लिया। कहने का मतलब यह है कि आपने जो विषय लिया है, और ये अपने में अद्भुत विषय है, इस पर तो घंटों चर्चा हो सकती है, और इस पर जितनी चर्चा होगी उतने ही मक्खन आपको मिलता जाएगा। इस चर्चा का अर्थ है कि हम उस पर मथनी चलाते हैं। अब ये मन जो है, मन बुद्धि अहंकार, सत चित आनंद, सत्यम शिवम सुंदर, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्टेम्परेशन मेडिटेशन, आपको मैं बताया, फेथ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सरेंडर। मैं कितनी ट्रेनिंग आपको मिला रहा हूँ, और यही क्राइस्ट ने अंत में सारा वेद तक तो सारी चीज़ें, मैंने किताब लिखी क्राइस्ट पर, तो बड़ा तहलका मचा कि आपने ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं आप जो सच्चाई नहीं है। मैंने बिशप करा, मैंने कहा आप ये लिखिए, इसमें किस किस पेज मैंने क्या क्या गलत लिखा है, नहीं इसको आप हटा नहीं सकता, जो मैंने लिखा है वो सच है, तो क्राइस्ट मेरे सामने आकर के, जो मैंने क्राइस्ट को देखा है, आपने क्राइस्ट को देखा है? बिशप जो बहुत बड़े होते हैं, मुझसे पूछा, हैव यू सीन क्राइस्ट? नो। तो मैंने कहा कि क्राइस्ट ने जो बताया है, लिव लव सफर एंड टीच, आप कितना करते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट कितना करते हैं, आप कॉन्टेम्प्लेट कितना करते हैं, क्राइस्ट कितनी बार आपके सामने आए? अगर आप है, ये सच सब सच है, और ये सब सत्य सिद्ध, आज सब सिद्ध हो गया, जो मैंने अपनी किताब में लिखा था 1972 में। तो कहने का मतलब यह है कि सच्चाइयों में आप जाएंगे तो आपके सामने सब कुछ, सब पर्दे खिलते चले, और वो रूप आपका आपके सामने आ जाएगा। तो पर्दे खोलना है, तो मन जो है इसी को तो आपको कॉन्सेंट्रेट, मन क्या है, उस मन पर ही आपको जाना है। और अगर आपने इस मन को कंट्रोल कर लिया, इफ यू कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल द होल यूनिवर्स, ये ऋषि लोग करते थे, और वो ज्ञान था, सच्चा ज्ञान था। इसलिए गीता में कहा है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात करते, ज्ञान के लिए। तो आप जिसे कहते हैं नॉलेज इज गॉड, तो अब अगर आप इस तरह के जो कार्यक्रम मनाते हैं, और उनमें अगर आप गहराई से जाएं, तो मैंने जो आपको सामने एक रूप दे दिया है, उस रूप पर आगे बढ़ना है, और उस रूप में सभी कुछ आ गया है। मैं समझता हूँ, मैंने वेदों के बारे में कुछ कहा, कुछ पुराण उपनिषद और आपके आरण्यक ब्राह्मण वगैरह के बारे में, उसके साथ मैंने रामायण और महाभारत को, इसको भी आपके सामने रखा, और इसके साथ ही साथ जो उनका मनन और चिंतन था, वो चिंतन मैंने और डाइवर्ट करके दिया है। मैंने ऐसी गोलियां दे दी हैं जो आप जाएंगे तो सोचेंगे तो उसमें कुछ चीज़ है, या मैंने ऐसी चीज़ दी है जिसे आप आंवला कहते हैं, अभी तो आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आप थोड़ी देर बाद जब पानी पियेंगे, जब इसके बारे में सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको इसकी मिठास की महसूस की अनुभूति होगी। यही अनुभूति है हमारे ऋषियों की, यही उनका साक्षात्कार है, यही उन्होंने अपने अंदर घुस करके, वो इंट्रोवर्ट थे, हम एक्सट्रोवर्ट हैं, इतना अंतर है, वो बहिर्मुखी नहीं थे, वो अंतर्मुखी थे, हम अंतर्मुखी नहीं है, हमें तो केवल वही दिखाई पड़ता है। आप देखिए वेदों में कहा गया, न तप्त सूर्यो भाति न च चंद्र तारका, वहाँ सूर्य नहीं चमकता, वहाँ चंद्र नहीं, चंद्र नक्षत्र नहीं, आप कहाँ किसके चक्कर में पड़ेंगे। इसलिए वेदों में एक बात कही है, ये कर्म कांड जो है आपको बांधता है,
बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। कर्म कांड आपको बांधता है, आप यज्ञ करते हैं, आप जो भी इस तरह के करते हैं, जागरण करते हैं, भंडारा करते हैं, सब क्या है, ये आपको बांधता है और ये आपको फिर जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। क्योंकि आप अपनी प्योरिफिकेशन का माइंड न करके आप बाह्य वातावरण में घूमते हैं और उस बाह्य वातावरण से कर्म कांड का विरोध करते हैं। कर्म कांड से आप ज्ञान कांड के ऊपर, इसलिए कर्म और भक्ति इसके ऊपर आप ज्ञान की हो जाए और तभी आप अपने को पहचान पाए। और यदि आप अपने को पहचानते तो ज्ञान, अच्छा इसका अर्थ ये नहीं कि आप न करें, आप मंदिर जाइए, आप पूजा करिए, आप कुछ, लेकिन धीरे धीरे। क्या आप 90 साल तक पहले दर्जे में पढ़ना चाहते हैं क्या? ये जो आपके साथ देवता और जो आप जो पूजे करते हैं ये जरूरी है किसके लिए? बच्चों के लिए। हम नाटक करते हैं पूजा में बैठने का, मैं स्वयं करता हूँ, इसलिए कि मेरे बच्चे कहें। तो नाटक इसलिए करता हूँ कि वो देखते हैं पापा भी।